नमस्कार, क्विक इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपके फ़ोन में शेयर चैट नहीं चल रहा है, काम नहीं कर रहा है, तो उस प्रॉब्लम को आप कैसे ठीक कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने मोबाइल के डिस्प्ले को ऊपर से नीचे की ओर डाउन करना है। डाउन करने के बाद आपको यहाँ से यह चेक कर लेना है कि आपका मोबाइल डाटा ऑन है कि नहीं। अगर आपके फ़ोन में मोबाइल डाटा ऑन है, उसके बावजूद भी आपका शेयर चैट ऐप नहीं चल रहा है, तो इसके लिए अब आपको क्या करना है कि अपने फ़ोन में एक बार एरोप्लेन मोड को ऑन करना है। ऑन करने के थोड़ा देर बाद फिर से इसको ऑफ कर देना है। इतना करने के बाद अब आपको अपने फ़ोन में शेयर चैट ऐप को ओपन करना है, चला के देखना है। अगर आपका प्रॉब्लम इतना से ठीक हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो अब आपको क्या करना है कि अपने फ़ोन में प्ले स्टोर को ओपन करना है। तो चलिए हम प्ले स्टोर को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपको सर्च बॉक्स पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको शेयर चैट सर्च करना है। सर्च करने के बाद अगर आपके फ़ोन में शेयर चैट का अपडेट आया होगा तो यहाँ से आपको अपडेट कर लेना है। अगर आपका शेयर चैट का अपडेट नहीं आया होगा तो सिंपल आपको यहाँ से कट कर देना है। कट करने के बाद अब आपको अपने फ़ोन में सेटिंग्स को ओपन करना है। तो चलिए सेटिंग्स को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद अब आपको क्या करना है कि ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको नीचे में एक ऐप्स का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ऊपर में एक मैनेज ऐप का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको यहाँ पे जाना है। जाने के बाद अब आपको क्या करना है कि इसमें आपको शेयर चैट को ढूंढ लेना है। तो चलिए इसमें शेयर चैट को ढूंढ लेते हैं। शेयर चैट ढूंढने के बाद अब आपको क्या करना है कि शेयर चैट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऊपर में आपको एक स्टोरेज का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद नीचे में आपको क्लियर डाटा का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पे क्लिक करते हैं। और उसके बाद आपको क्लियर ऑल डाटा पे क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको ओके पे क्लिक करना है। इतना करने के बाद अब आपको यहाँ से बैक करना है। बैक करने के बाद आपको क्या करना है कि इसमें आपको यहाँ पर आपको एक रिस्ट्रिक्ट डाटा यूज का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगर आपके फ़ोन में यहाँ पर जो तीन ऑप्शन है, अगर आपको तीनों ऑप्शन में टिक नहीं होगा तो यहाँ पर आपको टिक कर लेना है। टिक करने के बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद अब आपको कट करना है। कट करने के बाद अब आपको अपने फ़ोन में शेयर चैट को ओपन करना है। तो चलिए शेयर चैट को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे फ़ोन में शेयर चैट चल रहा है, काम कर रहा है। अगर आपके फ़ोन में शेयर चैट नहीं चल रहा था, काम नहीं कर रहा था, तो उस प्रॉब्लम को आप इस तरह से ठीक कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।